और ये इस शॉट के साथ गब्बर का जैप शॉट, और गब्बर ने तैयारी जो है शुरू कर दी है क्रिकेट की। क्रिकेट के मैदान पर जो है शिखर धवन वापसी कर चुके हैं, और कैसे वापसी करेंगे ये बताएंगे प्रियांशु। और प्रियांशु जरा बताओ कि गब्बर को जो मौका नहीं मिल रहा था और जिस तरह की चीजें चल रही है उनको लेकर क्या कहना है आपका इस बारे में? अब सर गब्बर ने ठान ली है कि गब्बर की जो गुर्राहट है, अब वो टीम इंडिया के जो कप्तान है रोहित शर्मा और जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं दो शुभमन गिल और केएल राहुल, उनको इस गुर्राहट से सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गब्बर ने पैड पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए, हेलमेट डाल लिया है और वो पूरी तरह तैयार हैं अब वापसी करने के लिए। हालांकि अभी शुरुआत उन्होंने आईपीएल की तैयारियों के लिए की है, लेकिन ये जो आईपीएल का रास्ता है ना, ये सीधा वर्ल्ड कप के लिए जाता है। अगर अच्छा प्रदर्शन किया आईपीएल में तो वर्ल्ड कप का टिकट पक्का हो सकता है शिखर का। ये और बात शिखर धवन का सही कह रहे हो तुम जो है, बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा पैमाना है भारतीय क्रिकेट के लिए, अगर आप वहाँ पर अच्छा खेलते हैं तो आपको वहाँ पर उसका इनाम मिलता है। बीसीसीआई उसको जो है लेता है रडार पर कि भैया उमरान मलिक को हम देख सकते हैं, बिल्कुल आईपीएल की खोज है। इसके अलावा बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो भी, चाहे दीपक चाहर की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनको टीम इंडिया में मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं गब्बर की जो छटपटाहट थी, अभी कुछ दिनों पहले बहुत परेशान थे, बहुत मायूस थे, जिस तरह से उनको जो है मौका नहीं मिल पा रहा टीम में, उनकी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से इस बार जो वर्ल्ड कप होने वाला घर में उसमें खेलूँ। अब लगता है कि गब्बर की वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि गब्बर ने जो है शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, वो आपको बता दूं कि पंजाब के मोहाली में जो है पंजाब किंग्स की जो टीम है उसने अपनी जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसमें कि सबसे पहले शिखर धवन वहां पर पहुंचे और शिखर धवन के साथ साथ जो टीम के बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी जाकर जो है वहां पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूँ ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये एक तरह से देखा जाए तो पंजाब की टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि पंजाब के ग्रुप में जो है चेन्नई है, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है जिसने लास्ट सीजन में खिताब जीता था, और आपको बता दूं कि मयंक अग्रवाल को हटाकर कप्तानी से यहां पर शिखर धवन को कप्तानी का दारोमदार दिया गया है, उनको जो है कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। तो यहां पर शिखर धवन की जो पूरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और ऑरेंज कैप को अपने नाम रखें। अगर ऑरेंज कैप उनको मिलती है, केएल राहुल को ले लीजिए, कितने सारे रन बनाए, और वो बोल रहा है कि ऑरेंज कैप का जो रिचार्ज है ना वो टीम इंडिया में भी चल रहा है, वो चल रहा है बिल्कुल टीम इंडिया में। यहाँ पर जो है गब्बर को पूरा प्लान करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, ज्यादा रन बनाएंगे तो हो सकता है कि वो शुभमन गिल की जगह खा जाए, वो केएल राहुल की जगह खा जाए। केएल राहुल की जगह खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन, मैं कहता हूँ कि आखिर धवन को मौका मिले क्यों ना, जगह क्यों ना खाई जाए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, गब्बर ने वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर कोई भी आईसीसी इवेंट हो, वहां पर अपने आप को प्रूफ किया है, तो बस गब्बर के लिए अब ये आईपीएल ही आखिरी मौका है कि वो अगर वहां रन बना देते हैं तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। पिछले साल दिनेश कार्तिक भी तो गए थे आईपीएल के थ्रू ही T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो हो सकता है कि शिखर धवन भी, अभी तो 10 मुकाबले जो खेले ना उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसमें 537 रन बनाए, ये आगे भी बढ़ सकता है। और शानदार प्रदर्शन हमेशा से आईसीसी टूर्नामेंट में शिखर धवन का रहा है, तो इसलिए शुभमन गिल, केएल राहुल, सावधान, आ रहा है शिखर धवन, दी गब्बर।